अध्याय 3 भारत की जलवायु। मौसम की विविधता हमारे देश को विशिष्टता प्रदान करती है। सर्दी, गर्मी व बरसात यहाँ की प्रमुख ऋतुएं हैं, लेकिन बरसात का अपना विशेष महत्व है क्योंकि देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इसी बारिश पर निर्भर है। प्रत्येक साल गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी के महीनों में लू से और ठंड में शीतलहर से कई लोगों की जानें जाती हैं। क्या इस तरह की घटनाएं भारत के अन्य भागों, दक्षिण, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम भाग में भी घटती हैं? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में एक दिन में ही उतनी वर्षा होती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में। दिसंबर महीने में जम्मू और कश्मीर राज्य की द्रास नामक जगह में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस, 0 से 45 डिग्री कम तक पहुंच जाता है, जबकि उस समय तमिलनाडु के चेन्नई में रात का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या हमने महसूस किया है कि हमारे इलाके में साल के अलग अलग महीनों में हवाओं की दिशा भी बदलती रहती है? कभी हवा उत्तर से या उत्तर पूर्व से आती है तो कभी दक्षिण से या दक्षिण पश्चिम से। भारत के किसी भाग में बाढ़ आती है तो उसी साल दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? इन्हें समझने के लिए हमें वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होगा। मौसम और जलवायु। किसी विशेष स्थान पर अल्प समय में यानी कुछ मिनटों, घंटों व दिन की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल, वर्षा को मौसम कहा जाता है। मौसम परिवर्तनशील होता है, जैसे एक दिन में मौसम कई बार बदल सकता है, सुबह एक प्रकार का तो दोपहर को दूसरे प्रकार का। जलवायु मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक रूप है। दीर्घकालिक का अर्थ है 30 वर्ष से भी अधिक समय के मौसम का औसत। किसी भी जगह की जलवायु को मौसम के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है, जैसे किसी जगह के एक दिन में अधिकतम व न्यूनतम तापमान के आंकड़ों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो उस दिन का औसत तापमान निकल जाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक दिन का औसत तापमान ज्ञात करने के बाद एक माह के औसत तापमान को जोड़कर 30 या 31 जितने दिन का महीना होगा से भाग देकर औसत मासिक तापमान निकाला जाता है। अब 12 महीनों के औसत तापमान को जोड़कर 12 से भाग करके उस वर्ष का औसत वार्षिक तापमान निकाल लिया जाता है। फिर 31 वर्षों तक के प्रत्येक वर्ष के औसत तापमान को जोड़कर 31 से भाग देने पर 31 वर्ष का औसत तापमान ज्ञात हो जाएगा। तापमान जलवायु का एक तत्व है। इसी तरह वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल, वर्षा भी जलवायु के विभिन्न घटक हैं। इनके सम्मिलित अध्ययन से किसी भी जगह या क्षेत्र की जलवायु ज्ञात की जाती है। तापमान व वर्षा खेती, उद्योगों, परिवहन, भवन निर्माण आदि पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। पृथ्वी का धरातल काफ़ी विशाल है। इस गोलाकार धरती पर कहीं महाद्वीप है तो कहीं महासागर। महाद्वीपों का धरातल भी एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा पहाड़ है तो कहीं नीचा मैदान, कहीं जंगल की अधिकता है तो कहीं मरुस्थल। महासागर भी असमान रूप से फैले हैं। उत्तरी गोलार्ध में 39% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल भाग है। तो सभी अंतर कहीं ना कहीं वायुमंडल के गर्म व ठंडा होने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल का असमान रूप से ठंडा व गर्म होना जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्नांकित हैं। पहला, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, धरातलीय ऊंचाई। तीसरा, समुद्र से दूरी। चौथा, वायुदाब। पांचवा, हिमालय पर्वत की स्थिति। छठवा, मानव द्वारा निर्मित कारण। पहला, अक्षांशीय स्थिति। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं।
इसके विपरीत भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली पृथ्वी की गोलाई वक्रता के कारण सूर्य से उतनी ही किरणें ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ती हैं, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य की ऊर्जा कम मात्रा में पहुंचती है, जिस कारण तापमान कम रहता है। इस प्रकार सूर्य ताप का वितरण अक्षांशों द्वारा निर्धारित होता है। इससे भूमध्य रेखा के आसपास अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है तथा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इससे दक्षिण की ओर का क्षेत्र दक्षिण भारत भूमध्य रेखा के अधिक निकट है, जबकि उत्तर की ओर दूरी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में वर्ष भर उष्णता रहती है, जबकि उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी एवं शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ती है।